हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हो? आई होप सब अच्छे होगे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होगे, सब बढ़िया होगा। भाई आज मैं लेकर आया हूँ टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये बात करूँगा इंटीरियर से रिलेटेड। मैं फॉल सीलिंग के बारे में बात करूँगा, जिप्सम बोर्ड एंड पीओपी के दोनों के डिफरेंट बताऊँगा कि इसमें क्या है। और यहाँ पे अगर आप यूएई के अंदर आना चाह रहे हो, दुबई के अंदर आना चाह रहे हो और आप इंटीरियर में आपका अगर चांस मिल रहा है तो इससे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्या एचआर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो भाई लास्ट तक देखना और भाई जो अभी नए हो मेरे चैनल में, फर्स्ट टाइम आ रहा तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ जिप्सम बोर्ड एंड पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंट बताऊं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं जिप्सम। जैसे नाम से ही पता होता है कि ये जिप्सम ये जिप्सम से बना होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है कि जिप्सम बोर्ड है तो जिप्सम से बना होता है। ठीक है, और इससे प्लास्टर बोर्ड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्लास्टर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो जिप्सम बोर्ड होता है ये हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है और इसकी जो ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है और ये फॉल सीलिंग में यूज होता है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये थिकनेस, इसकी 9 से 15 mm के बीच में हमारी इसकी थिकनेस वैरी करती है। ठीक है, और जो इसकी ये 3 स्टैंडर्ड साइज में हमारे मैन्युफैक्चर होता है, जैसे 4x8 फीट, 4x6 फीट, 4x8 फीट, 4x10 फीट। ठीक है, और ये फॉल सीलिंग में यूज हो जाता है और ये इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है और ये एक मेटल फ्रेम वर्क में हम इसे फिक्स कर देते हैं। और जिप्सम बोर्ड का हमारा पार्टीशन वॉल में भी यूज होता है, जैसे आप कोई शॉप बना रहे हो उसमें वॉल का पार्टीशन करना तो भी हम जिप्सम बोर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा भाई यूई के अंदर अभी जो मैं आया हूं देखा हूं, मैं कभी अभी तक मैं पीओपी फॉल सीलिंग अभी तक नहीं देखा हूं, जो भी यूज हुआ है वो जिप्सम बोर्ड की ही फॉल सीलिंग मैंने यहां पे देखी है जो इंटीरियर डेकोरेशन में यूज हुआ है। बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में ये चीजें अभी तक मैं अभी पीओपी फॉल सीलिंग मतलब मुर्गा जाली वाली मैंने अभी तक नहीं देखा। नेट मेश भी बोलते हैं उसको, मुर्गा जाली बोलते हैं, उसकी थिकनेस कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया में मोस्टली यूज़ होती है वही। ठीक है, और इससे मैं इंटीरियर से क्वेश्चन बताता हूँ जिप्सम बोर्ड में यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन होता है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, 9 से 15 mm, याद रखना 9 से 15 mm के बीच में वैरी करती है। और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है, कितनी स्टैंडर्ड साइज में ये मैन्युफैक्चर होता है, तो 4x8, 4x6, 4x10। ठीक है, और भाई ये इसमें कैसे लेबर की जरूरत, इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें अनस्किल्ड लेबर भी मतलब आपका यूज़ हो सकता है क्योंकि ये फॉल सीलिंग होती है, ये ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर हो के आती है और ये एक स्टैंडर्ड साइज में होती है, सिर्फ इसको फिक्स करना होता है एक मेटल फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये आपका पूरा जिप्सम बोर्ड के बारे में, ये आपका थोड़ा सा हल्का सा मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ पीओपी के बारे में बताता हूँ। ठीक है भाई, अब भाई बताता हूँ आपको पीओपी के बारे में। तो पीओपी भाई इसका फुल नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस इससे कॉमनली जो नाम यूज होते हैं वो हम इसे पीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम मतलब पीओपी के नाम से हम पुकारते हैं या मार्केट में इसी नाम से ज़्यादा ये कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, और ये भाई जो हमारा ये जो ये बेसिकली ये जो होता है डिहाइड्रेट जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फेट का ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब किसी भी ड्राई पाउडर, मतलब ड्राई मतलब सूखा, ठीक है, जब किसी भी ड्राई पाउडर में हम जब वाटर मिक्स करते हैं, मतलब पानी मिक्स करते हैं, तो वो किसी रिहाइड्रेट होकर किसी भी आपका मोल्ड शेप में सेट होने लगता है या किसी भी शेप में सेट होने लगता है और हार्ड होने लगता है। ठीक है, पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है इसका जो पेस्ट होता है हम अप्लाई करते हैं चिकन मेश पे, मतलब मुर्गा जाली पे हम अप्लाई करते हैं। और ये किस और इसमें ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए। ठीक है, और भाई पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है ये सेमलेस एंड मोल्डेबल होती है और इस और जो पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है किसी भी वेदर कंडीशन में ये रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, और जब किसी भी वेदर कंडीशन में जब रेजिस्ट करता है तो इसमें डैमेज के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। क्यों वो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये किसी भी वेदर चेंजेस के कारण इसमें जो डैमेज के ये जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, और ये पीओपी जो फॉल सीलिंग होती है ये हम किसी भी मोल्ड शेप में हम अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, अपने मोल्ड हिसाब से हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है, बट इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है क्योंकि उसका जो पेस्ट होता है उसमें जो वाटर कितना मिक्स करना है वो सारे हमारे वर्कर ही कहते हैं, वर्कर ही यूज़ करते हैं और मिक्स करते हैं, इसीलिए हमें इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की वर्कर की हमारे ज़रूरत होती है, पड़ती है। ठीक है, ये हो गई दोनों की भाई जिप्सम एंड पीओपी फॉल सीलिंग की डेफिनेशन।
अब इसके बारे में हम जिप्सम बोर्ड में क्या डिफरेंट है एंड पीओपी फॉल्स सीलिंग में क्या डिफरेंट, दोनों में क्या बेस्ट है, क्या कॉमन है, ठीक है। अब चलो मैं अब बताता हूँ भाई इन दोनों के टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं। अगर आप डिजाइन के बारे में बात करता हूँ तो जिप्सम जो फॉल्स सीलिंग होती है वो हमारा किसी भी जिप्सम फॉल्स सीलिंग होती है ये ओनली जो होती है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में ही इसको डिजाइन को अचीव कर सकते हैं। बट अगर पीओपी के बारे में बात करता हूँ तो पीओपी हम किसी भी डिजाइन शेप में हम डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम डिजाइन कर सकते हैं। और एज कस्टमर चॉइस, कस्टमर अगर चाहता है कि यहाँ पे हमको मोल्ड चाहिए तो यहाँ पे मोल्ड कर सकते हैं, बट आपको जिप्सम में ये चीज़ नहीं हो सकती है। बट इसमें जो हमारा पीओपी में हमें, लेकिन पीओपी में हमें हाईली स्किल्ड लेबर की, वर्कर की हमारी ज़रूरत पड़ती है, और जिप्सम में हमारे इसमें वर्कर की लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी लेबर वर्कर कर सकता है। ओके, ये दोनों के भाई डिज़ाइन के बारे में हो गई। अब बता दें भाई फॉर्मवर्क, अब भाई दूसरा, पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बता दिया, अब बताता हूँ भाई फॉर्मवर्क। हमारा जो जिप्सम बोर्ड होती है ये हमारा इंस्टॉल फॉर्म में होता है, बट हमारा जो पीओपी होती है वो पाउडर फॉर्म में आती है, ड्राई पाउडर फॉर्म में होती है। इसे हम साइटी पर हम वाटर को मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ भाई फिनिशिंग के बारे में। जो जिप्सम बोर्ड होता है वो हमारा जो यूटिलिटी है, वायर है, जो भी हमारा कंडूट वगैरह जो है उसको हाइड करके हमारा ये काफ़ी अच्छा फिनिशिंग हमारा ये लुक देता है। बट हमारा एज कम्पेयर टू हमारी जो पीओपी है वो इतनी अच्छी फाइनेस नहीं देती है एज कम्पेयर टू जिप्सम बोर्ड के, ठीक है। ये हमारे तीन टर्म्स हो गए, जैसे डिज़ाइन, डिज़ाइन आपको कैसे होता है, डिज़ाइन के बारे में बता दिया, फॉर्म है, फिनिशिंग के बारे में, दोनों का कंपैरिजन मैंने करके बता दिया, ठीक है। अब मैं आगे, और चौथा टर्म होता है ये वेस्टेज होता है, वेस्टेज के बारे में बता दो। जो जिप्सम बोर्ड होती है इसके वेस्टेज ना के बराबर, काफ़ी लो वेस्टेज होता है, बट हमारा जो पीओपी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वेस्टेज होता है, क्योंकि ये साइड पे मिक्स होता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है और हमें जल्दी से यूज़ करना, क्यों ये जल्दी से हार्ड होने लगता है। ओके, उसके बाद बात करता हूँ मोल्डेबिलिटी। हमारा जो जिप्सम बोर्ड होता है ये फ्लैट फॉर्म में होता है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल शेप में आता है, तो ये हम इसको मोल्डेबल मोल्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक इसकी जो मोल्ड भी बनाई जाती है वो पीओपी से हम इसकी कॉर्निस वगैरह बनाते हैं। और जो हमारा पीओपी होती है ये किसी भी डिज़ायर शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं, वो एज पर योर चॉइस या कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम इसको वर्क कर सकते हैं। ओके, अब भाई एक नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ड्यूरेबिलिटी। जो हमारे जिप्सम बोर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू पीओपी के वो काफ़ी लो ड्यूरेबिलिटी का होता है, और ये इसकी जो लाइफ होती है वो 5 साल की ड्यूरेबिलिटी होती है। बट जो हमारा जिप्सम, हमारा जो पीओपी होता है वो एज़ कम्पेयर टू जिप्सम के 10 से 15 साल इसकी लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो जो हमारी जिप्सम बोर्ड होती है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू पीओपी के, ठीक है। और जो पीओपी होती है ये स्ट्रेंथ में वीक होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जो होती है जिप्सम बोर्ड की ये काफ़ी इजीली हम क्लीन कर सकते हैं, ओके, एज़ कम्पेयर टू पीओपी के, बट पीओपी को क्लीन करना आसान नहीं है। ओके, फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो जिप्सम बोर्ड होती है ये भाई इसमें फ्लेक्सिबल ना के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू पीओपी के, और पीओपी जो होती है ये किसी भी डिज़ायर मोल्ड शेप में हम इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो जिप्सम बोर्ड होता है वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में आता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबल के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो भाई इंस्टॉलेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ जिप्सम बोर्ड हमारा इजीयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पीओपी के, और पीओपी जो होती है भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये इसे इंस्टॉल करना आसान नहीं है, क्योंकि ये मेसी और लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, फिर वाटर मिक्स करते हैं, उसके बाद ही हम इसको नेट मेस पे हम इसको चिकन मेस पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है भाई टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो आपको टाइम पीरियड आप बता देता हूँ, जिप्सम बोर्ड का जो टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन होता है वो काफ़ी आपका इजी होता है, क्योंकि इजीयर फॉर्म में होता है और आसानी से जल्दी से हो जाता है। क्यों हो जाता है इसके बारे में, ये क्योंकि ये हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है ये फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होके हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, बट हमारा जो जिप्सम बोर्ड होता है पीओपी होती है वो हमारा पाउडर फॉर्म में होता है, ये साइटी पे हम इसको वाटर मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, जो हाँ, अब बात करता हूँ भाई रिस्क ऑफ क्रैक्स। हमारे जो जिप्सम फॉल्स सीलिंग होती है इसमें क्रैक्स के चांसेस ना के बराबर होते हैं। हाँ, कि कभी मतलब काफ़ी टाइम्स के बाद इसमें जो जॉइंट्स पे क्रैक आ जाते हैं,
वहाँ क्यों होता है, रीज़न क्या होता है कि कभी जॉइंट टेप्स की कमी की वजह से हो जाता है, तो वो जॉइंट पे ही आते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू पीओपी के ना के बराबर क्रैक्स के चांसेस होते हैं। और जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है इसमें भाई क्रैक के काफ़ी ज़्यादा हाई क्रैक के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। अब बात करता हूँ लेबर की, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी लेबर की। इसमें जिप्सम बोर्ड के लिए आपको सेमी स्किल्ड लेबर की आप वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती, नहीं पड़ती है, ठीक है, इंस्टॉल करने में। बट आपको पीओपी जो है इसमें हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हाई स्किल्ड लेबर नहीं होगा, वो काम नहीं किया होगा, तो इसमें क्रैक से काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं और फिनिशिंग के काफ़ी, उसमें क्या होता है कभी कभी आप देखोगे जब फॉल सीलिंग तो काफ़ी इससे ऐसे आपकी एंडुलेशन होता है, लहरें होती है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उसमें कमी होती है, आपका स्किल्ड लेबर नहीं होता, वर्कर नहीं होता पीओपी में, और आपको हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है इस, ओके, एज कम्पेयर टू जिप्सम बोर्ड के, ठीक है। अब बात करता हूँ भाई थर्मल प्रॉपर्टीज़, सो बता दो जिप्सम बोर्ड एंड पीओपी फॉल सीलिंग जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है दोनों आपका फायर रिटार्डर एंड हीट इंसुलेटिंग होती है, ठीक है, ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, दोनों की सेम होती है, ओके। अब आता है भाई रिपेयर्स में, अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपेयर, तो मैं बता दो भाई रिपेयर जो होता है जिप्सम बोर्ड को रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक फ्रेम फॉर्म में होता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में होता है और ये फ्रेम में फिक्स होता है, तो इसे रिपेयर करना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर कभी चांस आया रिपेयर करने का तो पूरा बोर्ड खोल के हमें रिपेयर करना पड़ता है, बट पीओपी में क्या होता है, पीओपी में हम कहीं भी आसानी इजी हम रिपेयर कर सकते हैं, कहीं भी थोड़ा से भी टुकड़े को हम इजी हम तोड़ कर हम रिपेयर कर सकते हैं, ओके, बट जिप्सम बोर्ड में ऐसा नहीं है, आपको पूरा बोर्ड खोलना पड़ेगा, ओके। ये भाई इसके कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया फॉल सीलिंग वाला बारे में। और भाई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपको एज अ कंपेयर टू पूछ सकता है कि आपको जिप्सम बोर्ड सही है कि आपको पीओपी आपकी फॉल सीलिंग सही है, तो आप ये टर्म्स बता सकते हैं और आप बता सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। और लेकिन यहाँ पे यूज़ होता है, अगर दुबई के अंदर आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जिप्सम बोर्ड ही, यहाँ पे अभी तक मैं जो देखा हूँ जिप्सम बोर्ड की ही फॉल सीलिंग मोस्टली यूज़ की जाती है, अभी पीओपी वाली फॉल सीलिंग मैंने नहीं देखी है, ठीक है। और आपको इसमें याद रखना है थिकनेस आपको कितनी, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया जिप्सम बोर्ड के बारे में बताया वो आपको याद रख लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओके भाई, फॉल सीलिंग के बारे में उनको पता चल जाता है कि आपको काम आता है, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ये पीओपी और फॉल सीलिंग, मुझे लगा था कि बता देना चाहिए तो बता दिया, ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखना, ओके भाई।